पांचवें चरण का चुनाव और चिलचिलाती धूप में गर्मी का थर्ड डिग्री टॉर्चर। और इस बीच कश्मीर से लेकर बंगाल तक के पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी लंबी कतार। पांचवें चरण में आज राजनाथ सिंह, मायावती, स्मृति ईरानी, ब्रजभूषण शरण सिंह, चिराग पासवान, पीयूष गोयल, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, संजय राव, मिलिंद देवड़ा समेत कई सियासी दिग्गजों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। अब देखिए, फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का है। जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो मतलब फिर बहुत चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, 3 साल सत्ता शासन है आपका, आप उनको दबा सकते हो, लेकिन चौथे या पांचवे ईयर में जनता अपना मन बना चुकी होती है कि अगला डिसीजन क्या लेना है। एक तरफ नेताओं ने जमकर मतदान किया, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के सितारों में भी मतदान के लिए गजब उत्साह देखा गया। जानवी कपूर से लेकर राजकुमार राव, मनोज वाजपेयी, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र समेत कई सितारे पोलिंग बूथ पर लाइन में खड़े होकर वोट डालते नजर आए। कितना उत्साह दिख रहा है मतदान केंद्र पे? बहुत ज्यादा है। इस बार हमेशा ऐसी होता है एक्चुअली। ये अच्छी बात है कि हम लोग थोड़े से क्या कहते हैं सीरियस है इसके मामले में और लोग इसकी गहराई को समझ रहे हैं। सबको करना चाहिए वोट। कार्य ये नहीं करती, वो नहीं करती, और अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान के, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। पांचवें चरण में आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले गए। कुल 695 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला अब 4 जून को नतीजे वाले दिन तय हो जाएगा।